हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या मल्होत्रा हेयर। आज मैं पेशेंट्स के बारे में बात करूंगी, वो पेशेंट्स जो बहुत देर से परेशान हैं कि जितनी देर वो मेडिसिन ले रहे हैं उनका पेन ठीक है, जैसे ही मेडिसिन छोड़ दी वो पेन फिर से स्टार्ट हो गया। या हम बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे डिफरेंट पैथीज ट्राई कर चुके हैं बट स्टिल हमारी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है। हम उस डिजीज से बहुत देर से स्ट्रगल में हैं और एक लूप ही बन गया है। तो अब क्या है, अब हम अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करेंगे। दो तरह के माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड जिससे हम सारा दिन काम कर रहे हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड जो कि जैसे हम रात को सोते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। सब कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता सच झूठ है नहीं है। कॉन्शियस माइंड ने जो सब कॉन्शियस माइंड को कमांड दे दी वो उस पर वर्क करना स्टार्ट करेगा और उसको पूरा कर देगा। अब क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बड़ों की, यानी कि बुजुर्गों की। हमारे उनके गोडों में बहुत दर्द है, बोन पेन बाय एज उनके गोडों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है, अब हमने रात को सोने से पहले अब एक प्रैक्टिस करनी है। 21 टाइम्स मिनिमम हमने लिखना है कि मेरा गोडा बिल्कुल ठीक है, मतलब लिखते हुए विजुलाइज करना है कि पहले की तरह कैसे मैं चल फिर रही हूँ, इसमें कोई पेन ही नहीं है। विजुलाइज करना है और उसको लिखना है और फील करना है कि वो हो चुका है। ऐसे ही अगर आप और अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के भी उसको 21 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम जितनी मर्जी बार लिखिए, और इस प्रैक्टिस को डेली डेली कीजिए और ग्रेजुअली आप नोटिस करेंगे कि आपका पेन एकदम चला ही गया एट द एंड। हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को रब करना है, इसमें एनर्जी क्रिएट होती है राइट। उस एनर्जी को अपने गोडे पर रखकर उसे हीलिंग देनी है 10 और 12 टाइम्स कि ये बिल्कुल ठीक हो गया। और जब हम इसको एनर्जी देंगे और रात को सोने से पहले लिखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। अब सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करेगा ही करेगा, अर्ली मॉर्निंग उठ के भी हम विजुलाइज और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं श्योर हूँ कि आपका डिजीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा 101%। आपकी मेडिसिन भी छूट जाएंगी, आपके जो एक्सपेंसिज हैं मेडिसिन के वो भी ठीक हो जाएंगे और जिस भी पेन में आप हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेस्ट बाकी पेशेंट जिनके जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो भी ये एक टिप और ट्रिक है, ट्राई कीजिए। बिकॉज ये मैंने पर्सनली ट्राई की थी और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसीलिए ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी ट्राई कीजिए और इसके 101% रिजल्ट्स लीजिए। और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।